हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई फिलहाल शुरू करते हैं, नेशनल इनकम चल रहे हैं भाई, नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स चल रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, पूरा फॉर्मला आपने याद कर लिया होगा, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे। आज चलते हैं, आज लास्ट वीडियो है इस मेथड के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है भाई, तो फटाफट से खत्म करते हैं इस मेथड के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में पहला टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दे दिया आपको 14,500। हाँ जी, डोमेस्टिक सेल दे दिया आपको 14,500, डोमेस्टिक परचेज दे दिया आपको 2,500। ठीक है, एक्सपोर्ट 400, इंपोर्ट 200। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन 400, उसके बाद कह रहा है डेल्टा स्टॉक 600, क्लोजिंग स्टॉक 4,000, और उसके बाद भाई NFIA 300। ठीक है, फीटा 400, IT 400, सब्सिडी 1,200। ठीक है, और लास्ट चीज़ आपको कह रहा है आपको निकालना है NNP एट MP। क्या निकालना है आपको? NNP एट MP। तो टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। यानी कि करना कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला से निकलता क्या है? GDP एट MP। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में पुर, सिंपल है ना भाई। हाँ जी, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है? नहीं जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, तो वैल्यू आउटपुट निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? ये निकलता है सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। आसान भाई। हाँ जी, तो देखिए अब सेल्स दे रखा है? नहीं जी, सेल्स भी नहीं दे रखा मेरे को कहीं भी। तो सेल्स की जगह क्या दे रखा आपको? सेल्स अगर ना दे, सेल्स मतलब क्या होता है? माल बेचना। तो माल अगर कहाँ पे, माल हम कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं? या तो देश के अंदर बेचेंगे या फिर देश के बाहर बेचेंगे। अगर देश के अंदर बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सेल। और देश के बाहर बेच रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो बस 14,500 और 400 रुपये जोड़ देने हैं तो कितना हो गया आपका? 14,900 प्लस में डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक दिख रहा है? हाँ जी, ये दिख गया डेल्टा स्टॉक। कितना? 600 रुपये। तो 600 रुपये और जोड़ दिया इसके अंदर तो आपका कितना आंसर आ गया? हाँ जी, 600 जोड़ने के बाद आपका आ गया 15,500। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 15,500। हाँ जी, 15,500। 15,500 माइनस में क्या लिखना होता है आपको? परचेज। परचेज मतलब क्या होता है? माल खरीदना। तो माल कहाँ कहाँ से खरीदेंगे? देश के अंदर से और देश के बाहर से। देश के अंदर से खरीदेंगे तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक परचेज, ये रहा। और देश के बाहर से खरीदेंगे तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। तो 2,500 और 200 कितना हो गया भाई? 2,500 और 200 2,700। तो परचेज कितना आ गया? 2,700। तो बस इसमें से 2,700 घटा देनी है। हाँ जी, तो इसमें से क्या करना है? 2,700 घटा देने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 15,000 बच गया, 15,000 में से 2,000 चले गए तो बच गया 13,000 यानी 12,800। तो आपका आंसर कितना आ गया? 12,800। इधर सिंपल भाई। हाँ जी, लेकिन ये जो आपने निकाला है ये क्या निकाला है? ये निकाला है आपने GDP एट MP। क्या आपको GDP एट MP निकाला था? नहीं जी, हमें क्या निकाला था? NNP एट MP। तो NNP एट MP निकालते हैं फटाफट से। तो इधर कर देता हूँ भाई। हाँ जी, तो NNP एट MP निकालना है। किससे? GDP एट MP से। हाँ जी, तो G से N पे जाने के लिए, जी से एन पे जाने के लिए माइनस में डैप, उसके बाद DP से NP जाने के लिए प्लस में NFIA, और MP से MP जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं ऐसे। तो GDP ने भी कितना दे दिया? ये दे दिया 12,800। अभी हमें निकाला हमने, ये रहा। हाँ जी, 12,800। उसके बाद माइनस में क्या करना है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ गया? डेप्रिसिएशन दे रखा भाई। हाँ जी, ये दे रखा है 400 रुपये, तो माइनस में 400 रुपये। NFIA प्लस करना है तो NFIA कहाँ पे है? NFIA दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 300 रुपये, तो 300 रुपये प्लस कर देना है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो आपका कितना सा गया? 12,700। कोई डाउट सर? आसान था। हाँ जी, तो ये आ गया आपका NNP एट MP। तो NNP एट MP कितना आ गया? 12,700। सिंपल था भाई, कर सकते हो ना आराम से ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है डोमेस्टिक सेल दे दिया 6,000, डोमेस्टिक परचेज दे दिया 2,500। ठीक है भाई। हाँ जी, इम्पोर्ट 4,000, एक्सपोर्ट 24,000, क्लोजिंग स्टॉक 600, फीफा 400, सेल्स टैक्स 200, ओपनिंग स्टॉक 500, वैल्यू ऑफ असेट 11,500, और नंबर ऑफ ईयर
115। और लास्ट चीज भाई आपको दे रखा है सब्सिडी 1400 रुपये। हाँ जी, और आपको निकालना है क्या? आपको निकालनी है नेशनल इनकम। क्या निकालनी है? नेशनल इनकम निकालना पहले वही है भाई, पहले आपका जीडीपी एमपी निकलेगा उस फॉर्मूले की हेल्प से, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? नेशनल इनकम निकाल सकते हो उसको चेंज करके। ठीक है भाई, हाँ जी, इसके बाद चलते हैं थोड़े से एडवांस वाले फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, एडवांस वाले सवाल आते हैं तो चालू करते हैं फटाफट से। फॉर्मूले नहीं आते, एडवांस वाले सवाल आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है आपको दे रखा है नेशनल इनकम 12,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद दे दिया आपको डेप्रिसिएशन 400 रुपये, फीफा 200 रुपये, और उसके बाद आईटी 600 रुपये, सब्सिडी 400 रुपये। हाँ जी, उसके बाद सेल्स 12,000। ठीक है भाई, हाँ जी, परचेज 2,000। और आपसे कह रहा है निकालिए डेल्टा स्टॉक। क्या निकालना है आपको? डेल्टा स्टॉक। तो समझिए ध्यान से, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। ठीक है भाई, तो नया कंसेप्ट है तो भाई अलग तरीके से ही भी होगा। कैसे होगा? पहले क्या करते थे हम? जीडीपी एमपी निकालते थे, अभी वही करेंगे। पहले हम फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आंसर में, जीडीपी एट एमपी बराबर में वीओओ माइनस में पुर। हाँ जी, सिंपल है इतना। तो हम देख रहे हैं भाई, हमें जो स्टॉक निकालना है वो डेल्टा स्टॉक एक पार्ट है किसका? वीओओ का। तो हमें कहीं से वीओओ निकालना पड़ेगा तभी डेल्टा स्टॉक जुड़ेगा। अच्छा, डेल्टा स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, जिस तरीके से हम डेल्टा स्टॉक निकाल पाए, यानी कि हमको यही वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो अगर वीओओ पता होता तो मैं निकाल देता डेल्टा स्टॉक, सिंपल है ना। लेकिन वो भी नहीं पता, तो हम देखेंगे क्या जीडीपी एमपी पता है हमें? नहीं, वो भी नहीं पता। तो हमें दे रखा है क्या? एक इसके जैसा है, ये रहा भाई नेशनल इनकम। सिंपल बात है, तो हम पहले नेशनल इनकम का यूज करके जीडीपी एमपी निकालेंगे यहाँ पे। तो नेशनल इनकम क्या होता है? ये होता है एन एनपी एट एफसी, सॉरी एफसी, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? जीडीपी एट एमपी। ये तो सॉरी उल्टा हो गया भाई, जो चीज निकालनी होती है वो पहले इधर लिखनी जाती है। तो जीडीपी एट एमपी बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एन एनपी एट एफसी। आसान है, अब यहाँ से इधर जाना है। वैसे करता तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वो। हाँ जी, इधर उधर ले जाना पड़ेगा चीजों को, आंसर सेम आएगा। तो भाई इधर से इधर जाना है, मतलब एन से जी पे जाने के लिए, एन से जी पे जाने के लिए प्लस में डेप, एन पी से डी पी माइनस में एन एफ आई, और एफ सी से एम पी प्लस में एन आई टी। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो नेशनल इनकम कितनी देखी है? 12,500। इसके अंदर प्लस में डेप करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना है? 400 रुपये। माइनस में एन एफ आई है, एन एफ आई कितना दे रखा है? नहीं दे रखा। तो एन एफ आई का फॉर्मूला फीफा माइनस में फीटा, तो फीफा कितना है? 200। तो 200 माइनस में 0, तो कितना आंसर आ गया आपका? 200। तो बस 200 आ गया यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद एन आई टी प्लस करना है, एन आई टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी। तो एन आई टी निकाल देते हैं फटाफट से, एन आई टी का फॉर्मूला आई टी माइनस में सब्सिडी। तो आई टी कितना है? आई टी दे रखा है 600, सब्सिडी कितनी है? 400। तो माइनस कर दिया आपका आंसर कितना आ गया? 200। तो बस 200 यहाँ पे लिख देते हैं। अब सॉल्व करना चालू फटाफट से। तो ये 400 और 600 मतलब 200 जुड़ गए, तो कितना हो गया? ये हो गया 600, 600 में से 200 मतलब 200 से 200 कट गया, और ये जुड़ गया तो 12,900। आसान है, यहाँ पे आपका क्या निकल गया? जीडीपी एट एमपी। आसान था भाई, हाँ जी, जीडीपी एमपी 12,900 आ गया। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 12,900। आसान है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये अभी पता नहीं आपको, तो इसको वही लिख दो। माइनस में परचेज, परचेज कैसे निकलता है? डोमेस्टिक परचेज प्लस में इंपोर्ट। अच्छा, परचेज दे ही रखा है इन्होंने, निकालने की जरूरत भी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, ऐसे बताते रहो करो मेरे को। तो 2000 यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो 12,900 और 2000 कितना हो गया? 14,900 बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट। आसान था। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का आपको पता है फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर में सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया था आपका? ये आ गया था भाई 14,900 बराबर में सेल्स कितना दे रखा है आपको? सेल्स 12,000। बस, तो 12,000 प्लस में डेल्टा स्टॉक। आसान भाई, हाँ जी, तो 12,000 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 14,000 में से 12,000 का कितना बच गया? ये बच गया 2,900 रुपये। आसान भाई, और इसी को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा स्टॉक। तो डेल्टा स्टॉक बोला था उसने, और डेल्टा स्टॉक हमने कितना निकाल दिया? 2,900 रुपये। आसान था भाई। तो इस तरीके से आपको उल्टा चलना है इस बार, यानी कि आप पहले क्या करते थे इन सब चीजों को सॉल्व करके, पहले जीडीपी एमपी निकालते थे, फिर जीडीपी एमपी से क्या करते थे? नेशनल इनकम निकालते थे। इस बार उल्टा है। क्या? नेशनल इनकम से पहले आप जीडीपी एमपी निकालोगे, और जीडीपी एमपी से आप यूज करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, सेल्स डाटा स्टॉक जो भी उस फॉर्मूले के अंदर निकालनी है। आसान था भाई, हाँ जी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके लिए देता हूँ, ट्राई करना, सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए क्या रहा है? डोमेस्टिक इनकम दे रखी है आपको 4,600 रुपये। ठीक है, हाँ जी, डेप्रिसिएशन 400 रुपये, और फीफा 200 रुपये,
फीफा 200 है, फीफा कितना है 200। इनडायरेक्ट टैक्स 400 रुपये, सब्सिडी 700 रुपये, ठीक है। और उसके बाद आपको दे दिया डोमेस्टिक परचेज 4000, ठीक है भाई। क्लोजिंग स्टॉक 2000, और भाई डोमेस्टिक सेल 400, उसके बाद भाई ओपनिंग स्टॉक 1000, और क्या बोलते हैं लास्ट चीज भाई जो आपको दे रखी है वो है इंपोर्ट 1000। हाँ जी, और आपको निकालना है सेल्स, क्या निकालना है सेल्स। तो मेरे हिसाब से भाई आप आराम से निकाल लोगे, बस वहाँ पे डेल्टा स्टॉक निकालना था और यहाँ पे सेल्स निकालना है। बस यहाँ पे लास्ट में बस ये दिक्कत है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी आपकी और ये वाली वैल्यू आपको क्या बोलते हैं निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आसान भाई? हाँ जी, एक बार देख लेता हूँ कैमरे में क्या बोलते हैं दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, और नीचे जगह है या नहीं, बस थोड़ी सी जगह है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करना चालू कर देता हूँ, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सेम वैसे, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दें, शुरू करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद खत्म प्रोडक्शन मेथड, और फिर उसके बाद चालू करेंगे अगली वीडियो में इनका मेथड का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर है भाई पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वैल्यू ऑफ असेट 11000, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ असेट कितना है 11000, नंबर ऑफ ईयर 10, ठीक है भाई। फीफा 400, फीटा 200, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ आपको सब्सिडी दे दी 300 रुपये, और आईटी दे दिया 200 रुपये, और उसके बाद दे दिया आपको भाई डोमेस्टिक परचेज 400 रुपये, डोमेस्टिक सेल 300 रुपये, सॉरी डोमेस्टिक सेल क्या करें 3000, ठीक है भाई। अच्छा भाई, डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक दे दिया भाई 12000, डेल्टा स्टॉक कितना है 12000, ओपनिंग स्टॉक 6000, ठीक है सर। और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद और क्या दिखे, हाँ जी, इसके बाद आपको दे दिया भाई नेशनल इनकम कितनी 16200, ठीक है भाई। और बस खत्म भाई, इतने क्वेश्चन हैं और क्या रहा है सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, और क्या निकालना है आपको, वो कह रहा है निकालिए एक्सपोर्ट, क्या निकालना है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट निकालने के लिए करना भाई ये भाई उल्टे तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे नेशनल इनकम दे रखी थी कहीं पे, हाँ जी ये दे रखी थी नेशनल इनकम कितनी, तो नेशनल इनकम दे रखी आपको 16000, बस। तो 16000 से क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम से निकालेंगे हम जीडीपी एट एमपी, तो बस। तो जीडीपी एट एमपी बराबर में नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी एट एफसी। अब यहाँ से इधर जाना है भाई, इधर से इधर, यानी कि प्लस में डैप, माइनस में एनएफआई और प्लस में एनआईटी। आसान है, सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये हो गया 16200 और प्लस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ गया निकालना पड़ेगा भाई। तो डैप का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ असेट, यानी 11000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया, अच्छा स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया, वो भूल गया क्या, हाँ जी स्क्रैप वैल्यू भाई 1000 रुपये, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू 1000 बटे में नंबर ऑफ ईयर, यानी कि हो गया 10000 बटे में 10, यानी कि आपका अंक कितना आ गया 1000। तो डेप्रिसिएशन 1000 है, 1000 प्लस में, सॉरी माइनस में एनएफआईए, माइनस में एनएफआईए कितना है, एनएफआईए मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, सॉरी फीटा माइनस, फीफा माइनस में फीटा। तो ये फीफा 400, फीटा है 200, तो 400 में से 200 गए, आपका आंसर आ गया 200। प्लस में एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आईटी माइनस में सब्सिडी, 200 में से कितना घटाना है 300, तो माइनस का आंसर आ जाएगा कितना 100। हाँ जी, तो आप सॉल्व कर लोगे और इसमें से 300 चले गए, तो 300 चले गए 700, यानी होगी 700 800 900, मतलब 16900 आ गया आपका क्या जीडीपी एट एमपी। तो भाई जीडीपी एमपी कितना आ गया आपका 16900, आसान था इतना। हाँ जी, आगे चालू करते हैं। उसके बाद आपको जीडीपी एमपी से क्या निकालना था, वही वाला फॉर्मूला। तो जीडीपी एट एमपी बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में पुर, हाँ जी। तो जीडीपी एमपी कितना है 16900 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालनी ही है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज कितना दे रखा है, परचेज दे दिया भाई ये रहा डोमेस्टिक परचेज 400, इंपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट जोड़ दो फटाफट से, नहीं दे रखा तो उसको जीरो मान लेंगे, तो इसी 400। आसान है, वहाँ पे भी मैं जीरो मान लेता फिर मगर पॉइंट में आंसर आता, इस वजह से मेरे को अलग से वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा परचेज यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 900 में जुड़ जाएगा 400, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया आपका, आपका आ गया 17300,
आसान है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्म लगा देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर में सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। आसान भाई, सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक, तो कितना हो गया ये 17,300 इज इक्वल टू सेल्स। कितना दे रखा है सेल्स, आप देखोगे तो आपको दिखेगा भाई सेल्स दिया ही नहीं, सेल्स तो क्या करना था, अच्छा सेल्स दिया नहीं भाई, तो सेल्स निकाल लेंगे। ये रहा सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक, कितना दे रखा है डेल्टा स्टॉक, ये रहा भाई 12,000। यहाँ पे प्लस क्या जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 17,300 में से 12,000 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 5,300। ये क्या आ गया आपका सेल्स की वैल्यू। आसान है, अब आपको लगाना है सेल्स का फॉर्मूला। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेल्स का फॉर्मूला तो सेल्स बराबर में डोमेस्टिक सेल प्लस में एक्सपोर्ट। आसान भाई, हाँ जी, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। सेल्स कितना आया था 5,300 बराबर में डोमेस्टिक सेल कितना दे रखा था मैंने, डोमेस्टिक सेल ये रहा भाई 3,000, तो डोमेस्टिक सेल हो गया 3,000 ठीक है, प्लस में एक्सपोर्ट, तो ये 3,000 प्लस है इधर आगे माइनस हो गया, यानी कि 2,300 आपका आंसर आ गया किसका, एक्सपोर्ट का। सिंपल भाई, तो आपका आंसर आ गया 2,300 एक्सपोर्ट का। सिंपल है, आज तो यहाँ पे खत्म होते हैं प्रोडक्शन मेथड के न्यूमेरिकल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय। हाँ भाई, भाई थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पिछला वाला दिख नहीं रहा हुआ आपको क्वेश्चन, तो थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है। हाँ जी, तो लीजिए भाई थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत हो गई होगी, तो आराम से आप उतार लेना जितना भी क्वेश्चन था। तो आज सिलेबस तो नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है सर। हाँ जी, मेरे हिसाब से आपको सारा दिखा होगा फिलहाल, तो टाटा बाय बाय।